हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सोनी टीवी पे एक नया शो आने वाला है जिसका नाम है बाल कृष्णा। तो आने वाले दिनों में इसका नाम जो है वो तो चेंज हो सकता है किसी अलग नाम से आए, अभी के लिए बाल कृष्णा ही डिसाइडेड है। तो अब हम नज़र डाल लेते हैं कुछ कास्ट पे जो कि फाइनलाइज कर ली गई है इस शो के लिए। तो अनुपम भट्टाचार्य एक्टर को रोपिन कर लिया गया है इस शो के लिए। वो कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करने वाले हैं, वन ऑफ द मेन रोल्स में से एक उनका रोल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में, काफ़ी इंडियन टीवी शोज़ में वो दिख ही चुके हैं और काफ़ी अच्छे एक्टर वो हैं। तो गैज़, वो इस शो में जो रोल प्ले करेंगे वो स्टोरी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन अभी के लिए हमें ये नहीं पता कि उनका रोल किस तरह का होने वाला है। बाकी और किसको रोपिन किया गया है, तो रोमित राज एक्टर को भी रोपिन कर लिया गया है इस शो के लिए। अभी रिसेंटली उनको भी फाइनलाइज कर लिया गया है, तो वो भी जो हैं इंपॉर्टेंट करेक्टर्स में से एक ही प्ले करने वाले हैं। बिकॉज अभी के लिए जो है वो साइड सपोर्टिंग कास्ट वगैरह को धीरे धीरे कास्ट किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जो फाइनलाइज किए जा रहे हैं वो हैं मेन करेक्टर्स जो कि स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और गाइज, राहुल शर्मा को भी फाइनलाइज कर लिया गया है इस शो के लिए। अभी के लिए उनके भी करेक्टर पे डिटेल्स अभी के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका भी करेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस शो में। तो अभी के लिए शो ये जो है प्री प्रोडक्शन में है, कास्टिंग का प्रोसेस अभी के लिए चल रहा है, तो अभी के लिए शूट वगैरह तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्री प्रोडक्शन में शो है, इनिशियल डेवलपमेंट शो पे चल रही है और एक्टिव प्री प्रोडक्शन में है। यानी कि जब ही कास्टिंग का प्रोसेस जो है वो ओवर हो जाएगा, जब सारी सपोर्टिंग कास्ट और मेन कास्ट को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन हो जाएंगे, उसके बाद प्रोमो के शूट और एपिसोड्स के शूट जो हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए वो नहीं हुए हैं। अब अगर हम बात करें कि ये कौन सी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आ रहा है, तो कॉन्टिलो की तरफ से आ रहा है। कॉन्टिलो इसी चीज़ के लिए फेमस है, वो मिथोलॉजिकल शोज़ वगैरह बनाने में। तो कॉन्टिलो पिक्चर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा आने वाले, ये जो भी साल गए हैं पिछले काफ़ी ज़्यादा सालों से, वो बहुत अच्छे फेमस मिथोलॉजिकल शोज़ बना ही रहे हैं। और अब उनका अपकमिंग जो मिथोलॉजिकल शो होने वाला है वो यही होने वाला है। बाकी सोनी टीवी पे आपका उनका ऑन एयर शो जो ऑलरेडी है विघ्नहर्ता गणेश, वो भी काफ़ी अच्छा चला है काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से, लेकिन अब उसकी टीआरपी लो हो गई है बिकॉज उसका टाइम स्लॉट जो है काफ़ी शाम की कर दी गई है, लोग नहीं देखते उस टाइम ज़्यादा। एनीवेज, अब हमें ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो कॉन्टिलो का नया शो होने वाला है, क्या ये विघ्नहर्ता गणेश की जगह पे आएगा, बिकॉज कॉन्टिलो का ऑलरेडी एक शो जो कि विघ्नहर्ता गणेश है सोनी टीवी पे ऑन एयर है, और अब ये नया शो आने वाला है। तो ये जो शो है बाल कृष्णा, इसका नाम है, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे शो किसके बारे में। तो स्टोरी कॉन्सेप्ट बताने का तो कोई रीज़न है नहीं, फिर भी ये बाल कृष्णा की कहानी होने वाली है, यानी कि छोटे होते के कृष्ण के एडवेंचर्स वगैरह दिखाए जाएंगे इस शो में, वो सब कहानियाँ दिखाने वाली हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी बार अडेप्ट करी जा चुकी हैं हमारे टीवी स्क्रीन्स पर, लेकिन देखते हैं किस तरह की यूनिकनेस से, किस तरह तरीके से अडेप्ट करेंगे इस बार बाल कृष्णा सीरियल में। बाकी आने वाले दिनों में इसका नाम वगैरह हो सकता है बदल दें, अभी के लिए यही डिसाइडेड है। तो यही था इस वीडियो में कुछ कास्ट जिनको फाइनलाइज किया गया है इस शो के लिए, वो मैंने आपको बताना था। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए सोनी के फैंस के साथ, कमेंट सेक्शन में बताइए आप एक्साइटेड हैं इस शो के लिए या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है कौन सी टाइम स्लॉट पे ये शो आएगा। और गाइस, इस शो पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जैसे कि और कास्ट और कौन सी टाइम स्लॉट पे आएगा, किसको रिप्लेस करेगा, वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। तो मैं उन पे वैसे ही वीडियोस डालता रहूँगा जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। जब मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, और सोनी टीवी की अपकमिंग अपडेट्स वगैरह और इस शो की सारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेगी, आप अपडेटेड रहेंगे। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।